बलराम बिश्ती की बातों से यह स्पष्ट था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा था, पर वो क्या छुपा रहा था यह जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं था। पर जो पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ वो अगले 7 दिनों में होने जा रहा था। इस केस की पहली ठोस कड़ी थी वो कॉल जो बलराम को आया था, और बलराम के अनुसार वो कॉल पीड़ित नीलम का था। नीलम बेटा कहां तू? सर रोहतक का नंबर है, किसी भूषण शर्मा के नंबर स्टार्ट है। मतलब 18 मार्च की रात को वाकई में कॉल आया था बलराम को? सर अगर नीलम ने बात की थी तो वो इस भूषण शर्मा से कनेक्टेड है। तुम रोहतक के लिए निकलो और इस भूषण शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स के सारे कॉल स्कैन करो, देखो लाभार्थ से क्या कनेक्शन निकलता है। सर 23 मार्च को बलराम को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था ये वाला, फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने अर्जेंट बेसिस पे इस नंबर की सारी डिटेल मंगवाई है। फिलहाल फोन कंपनी से इतना पता चल पाया है कि ये नंबर इलाहाबाद का है, बाकी की डिटेल्स भी जल्दी आ जाएंगी। और 24 मार्च को बलराम राजेंद्र को लेकर इलाहाबाद के लिए निकलता है इसी कॉल की वजह से। हेलो, हेलो बलराम बिश्ती जी, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम तुमसे मिलना चाहती है। क्या, कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत, और 18 मार्च को इस रोहतक वाले भूषण शर्मा के नंबर से नीलम का कॉल आता है और वो शेरगंज के ही राकेश झा का नाम है। और सर 19 से 20 मार्च तक हमने इस राकेश की काफी तुड़ाई भी की थी, और वो अड़ा रहा कि उसे फंसाया जा रहा है। शायद बलराम झूठ बोल रहे हैं। और बलराम झूठ क्यों बोलेगा? सर मुझे नहीं लगता कि नीलम अपनी मर्जी से कहीं गई है, शायद ही फैमिली के अंदर की बात है जो शायद चेतन को नहीं पता, इसलिए हमें नहीं बता पा रहे हैं। गीता गुरु को बोलो कि वो बलराम और राजेंद्र के पीछे लग जाए और पता करे कि ये लोग इलाहाबाद क्यों गए थे। मैं इस भूषण शर्मा को नहीं जानता, मेरे पहले कभी किराए पे रहा होगा? ओम प्रकाश जी से पूछिए। मकान मालिक जी, वो सामने वाले घर में ही रहते हैं। ये तो भूषण शर्मा है, मेरा यहाँ 2 साल पहले किरायेदार था। अभी कहाँ है? पता नहीं सर, बता के नहीं गया, मगर मेरे एड्रेस पे लिया हुआ सिम कार्ड वो आज भी यूज कर रहा है, गलत है ना सर? भूषण के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी है आपके पास? उसमें भूषण ने अपना कोई परमानेंट एड्रेस तो लिखा ही होगा। सर एक कच्चा एग्रीमेंट था, उसमें उसका परमानेंट एड्रेस भी था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। मगर मुझे बराबर याद है कि वो भिवानी का रहने वाला था, और आपके पास जो मोबाइल नंबर है वही मेरे पास है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे इलाके से एक लड़की गायब हुई है और उसमें भूषण का नाम आया है। ओह, ये भूषण जब यहाँ रहता था तो काम क्या करता था? सर यही पास में एक सचदेवा शुगर मिल है, वहीं पे काम करता था। चंदर ये कब की बात है? तारीख तो ठीक से याद नहीं है गुरु। हाँ लेकिन जब मैं लोडिंग कर रहा था तब अचानक बलराम जी का फोन बजा। और फोन पर बात करने के बाद पता नहीं क्यों उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ बलराम जी? कुछ नहीं। फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ा हो? कोई परेशानी है? कुछ नहीं। फिर 2 दिन की छुट्टी ली और जब छुट्टी से लौटे तो वहीं चेहरे का रंग उड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि बलराम का ही हाथ है उसके बेटी के गायब होने में? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई बात होती होगी ना आपस में, वैसे भी 11 महीने हो गए। हाँ वो तो है। वैसे गुरु एक बात बताऊँ, बलराम जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जितना प्यार वो अपने बेटे चेतन से करते थे उतना ही बड़ी बेटी नीलम से। वो बेचारी कैसे गायब हुई, किसने अगवा किया, उसके साथ क्या हुआ, अब ये मैं कैसे बता सकता? फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है साहब, भूषण और मैं एक साथ ही काम करते थे यहाँ, हम दोनों फोरमैन की ड्यूटी करते थे शिफ्ट से। इस वक्त भूषण कहाँ है? भिवानी में? भिवानी में ना, ना मतलब हो सकता है कि उसके माँ बाप वगैरह वहाँ हो, लेकिन भूषण तो अभी पंचकुला में है। वहाँ का नंबर एड्रेस? 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, तब उसने कहा था कि वो किसी फैक्ट्री में फोरमैनगिरी कर रहा है। फैक्ट्री का नाम? वो तो मैंने नहीं पूछा साहब, लेकिन हुआ क्या है? हमारे इलाके की गायब हुई एक लड़की ने भूषण के फोन से अपने बाप को फोन किया था, तभी से भूषण का नंबर भी ऑफ है। भूषण तो कभी अपना फोन ऑफ नहीं रखता, और ये लड़की वड़की कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी आपने फोन किया है, आप बताइए कौन बोल रहे हैं?
बिहार पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता जायसवाल जी, बोलिए। आपके नंबर पर किसी भूषण शर्मा नाम के आदमी का कॉल आया था 19 मार्च को। हो सकता है किया हो, लेकिन बात क्या है? आप क्या करते हैं और ये भूषण शर्मा कौन है? जी देखिए, मेरा नाम प्रवीण त्रिपाठी है, मैं यहाँ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क हूँ। दिन भर में मुझे कई लोग फोन करते हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं पहचानता हूँ। हो सकता है इस भूषण शर्मा ने भी किया हो फोन, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। नीलम बलराम बिश्ती, ये नाम सुना है? नीलम बलराम बिश्ती 21 साल की लड़की है, यही शेरगंज की है, 11 महीने से गायब है। नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना, याद तो नहीं आ रहा है मुझे। शेरगंज पुलिस का फोन था। तो बलराम हमसे जो वादा करके गया उसे तोड़ रहा है। सर, 23 मार्च को जो बलराम को फोन आया था इलाहाबाद वाला, वो किसी फर्जी नाम और एड्रेस पे लिया हुआ है। लेकिन सर, देखने वाली बात ये है कि भूषण शर्मा के फोन से नीलम फोन करती है अपने पिता बलराम, वही भूषण शर्मा इस कोर्ट क्लर्क प्रवीण त्रिपाठी को फोन करता है इलाहाबाद में, और सर उसी के बाद बलराम इलाहाबाद जाता है। लेकिन सर, प्रवीण कह रहा है कि ना वो बलराम को जानता है और ना ही नीलम को। प्रवीण झूठ बोल रहा है सर। आई थिंक सब झूठ बोल रहे हैं, खासतौर से बलराम। सर, मैं अभी भी अपनी ही थ्योरी पे जोर दूंगी कि नीलम को जबरदस्ती अगवा नहीं किया गया है, ये जरूर फैमिली का ही मैटर है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क प्रवीण त्रिपाठी भी शामिल है, तो जरूर ये कोर्ट मैरिज का मसला हो सकता है। जबरदस्ती शादी करा दी गई होगी इलाहाबाद में। जितना नीलम को जाना है, उससे लगता तो नहीं है कि नीलम की जबरदस्ती शादी करवाई जा सकती है। सर, जिद तोड़ी गई होगी। वो जो फोन आया था नीलम का बलराम को, सर वो सच में आया होगा। नीलम मदद मांग रही होगी कि उसके बाबा आकर उसे छुड़ाएं इस जबरदस्ती की गई शादी से, और बलराम वो हमें यहाँ गोल गोल घुमा रहा है। इस बलराम से दोबारा बात करनी होगी, और इस बार हमारी अपनी भाषा में। सर, और कोई एक सिर्फ एक डिटेल बता सकते हैं भूषण शर्मा के बारे में? सिर्फ एक फोन नंबर है जो फिलहाल बंद है, उसी के एड्रेस से घूमते घामते यहाँ तक पहुँचे हैं। फैक्ट्री में फोरमैन का काम करता है ये। साहब, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, हर जगह फैक्ट्री है। हर फैक्ट्री खंगाल गोविंद, ये पक्का है कि कोई फैक्ट्री है जहाँ ये काम करता है या काम करता था? मैं एक टीम बनाकर फैला देता हूँ, लड़कों को निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। बाबा, हम मानते कि हमने दीदी के डिब्बे से 200 रुपए चुराए थे और वो चोरी ही थी। हम ये भी मानते कि हमने उससे बड़ी गलती दीदी पर हाथ उठा के की, लेकिन बाबा हम ये नहीं मानते कि इस वजह से दीदी घर छोड़कर गई है। दीदी कहाँ पे? आपने दीदी को कहाँ पर छुपा के रखा है? बलराम जी, थाने चलिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। नीलम जब तक मिल नहीं जाती ना, तब तक हमारे पास कहने सुनने के लिए काफी कुछ है। आप मेरी बेटी को ढूंढना छोड़ दीजिए साहब, मतलब हम केस क्लोज कर दें। नीलम को आप नहीं ढूंढ पाए, मतलब हम आपको लिखित में दें कि नीलम के फादर ने उसे ढूंढ लिया है और हम केस क्लोज कर रहे हैं। जो आपको ठीक लगे। इस वक्त हमें ठीक नहीं लग रहा है बलराम जी, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, जो हम 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं अपने डंडे से, तो बरसाइए डंडे, जितना जी चाहे बरसाइए। ऐसा क्या कर दिया नीलम के साथ जो आप हमारे डंडे से खुद को दंड देना चाहते हैं? किसी से जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा दी है इलाहाबाद में? कहीं ये मिसिंग केस पहले ही दिन से एक नाटक तो नहीं था? तुम्हारी खामोशी का ये एक एक पल हमारे शक को और गहरा करता जा रहा है। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर नीलम घर वापस नहीं लौटी है, वो इसलिए क्योंकि इसका जिम्मेदार उसका बाप है। क्यों बल राम, ये गुमशुदगी का नाटक क्यों? राम कसम, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तो फिर वो मुझ तक कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता, मैं पुलिस से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अभी बात कर और बोल उन्हें साफ साफ कि मुझे ये केस आगे नहीं बढ़ाना है। तुझे तेरी बेटी की परवाह है या नहीं? हाँ है। तो बस केस वापस ले, जल्द से जल्द। मुझे ये केस आगे नहीं बढ़ाना साहब। तुमने कोई मार्केट से प्रेशर कुकर नहीं खरीदा कि वापस कर दिया और फिर रिफंड भी मिलेगा? तो क्या करेंगे आप, मारेंगे? मारिए, जान से ही मार दीजिए मुझे। ये ड्रामा नहीं बलराम, पीड़ित तुम्हारी बेटी नीलम है, तुम नहीं, तुम गुनहगारों की तरफ हो। गुनहगार तो ये गरीबी है साहब, सिर्फ 200 रुपये और एक थप्पड़ की वजह से मेरी बेटी घर से निकल गई गुस्से में, ये सच है, और ये बदल नहीं सकता। चूंकि ये हुआ है तो बाकी सब भी हुआ। बाकी सब, इस बाकी सब पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? मुझे नहीं पता साहब मेरी बेटी है कहाँ, अगर पता होता तो उसे मैं कब का घर ले आता, आपके ये बकवास भाषण नहीं सुनता। सर, इस भूषण शर्मा का पंचकुला के घर का एड्रेस मिल गया है। इसने 21 मार्च को फैक्ट्री से नौकरी छोड़ी, खबरी गोविंद इसके किराए के मकान पर है। इस वाले घर से भी निकल गया?
गोविंद कह तो यही रहा है सर। इस भूषण शर्मा को ट्रेस करना बहुत जरूरी है मनोज। ये केस कुछ अजीब है। बलराम काफी कुछ जानता है और काफी कुछ छुपा भी रहा है। सर ये इस फ्लैट में भूषण शर्मा किराए पर रह रहा था। अभी कहाँ है ये? सब पड़ोसियों का कहना है कि 22 मार्च को यहाँ से निकल गया था। लेकिन हमें पता चला 25 को, जब मकान मालिक नए किराएदार को साथ लाए। साहब इन दोनों का कहना है कि भूषण के साथ शायद कोई एक लड़की रह रही थी यहाँ। ये थी क्या? मैंने कभी शक्ल नहीं देखी सर, लेकिन घर के अंदर से बर्तन की, कपड़े धोने की आवाजें सुनाई देती और अक्सर बाहर ताला लगा होता। जी सर ये सच है, आवाजें मैंने भी सुनी। सुना कर ऐसे कैसे? मुझे पहले लगा बिल्ली बिल्ली होगी। बिल्ली तो बर्तन गिरा सकती है ना, ब्रश से कपड़े थोड़ी धोएगी। और बस एक बार मैंने उस भूषण को घर लौटते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे सीधा पूछ लिया। भूषण जी कोई आया है क्या घर पर? नहीं तो। दोपहर को कुछ आवाजें आ रही थी अंदर से, मैंने और कोमल दोनों ने सुनी। अच्छा बड़ी अजीब बात है। चोर तो हो नहीं सकता क्योंकि चुराने के लिए कुछ है नहीं। भूत हो सकता है। हाँ घर काम की आवाजें आ रही थी तो भूत नहीं होगी। मैं कोशिश करता हूँ उसे भगाने की। और उस दिन के बाद आवाजें आनी बंद हो गई। ये भूषण शर्मा इस वक्त कहाँ मिलेगा? मकान मालिक को भी नहीं पता और जहाँ फैक्ट्री में काम करता था उन्हें भी नहीं पता। 22 मार्च को भूषण शर्मा ने पंचकुला का किराए का मकान छोड़ा और 19 मार्च को इलाहाबाद के प्रवीण त्रिपाठी को कॉल किया और फिर 18 मार्च को इस भूषण शर्मा के नंबर से बलराम को कॉल आता है और बलराम कहता है कि ये कॉल नीलम ने किया था। पापा। नीलम। और फिर 24 और 25 तारीख को बलराम और राजेंद्र इलाहाबाद के लिए निकलते हैं। मतलब पक्का ये सब आपस में मिले हुए, भूषण, प्रवीण, बलराम और राजेंद्र, ये चारों कनेक्टेड लगते हैं। लेकिन सर सवाल ये कि इस वक्त नीलम का है, वो सही सलामत है भी या नहीं? 11 महीने कोई पहल नहीं और अब अचानक से तूफान सा आया है, डीट्स का और खबरों का। साहब मैंने बलराम और राजेंद्र दोनों पर फीलिंग लगा रखी है लेकिन दोनों हद से ज्यादा चुके हैं। सर ये प्रवीण त्रिपाठी इलाहाबाद वाला, उठाते हैं इसे सर। वो तो कर लेंगे लेकिन इस प्रवीण को तोड़ेंगे किस बात पर? हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बलराम और प्रवीण के बीच कोई कनेक्शन है। सिर्फ इतना कि प्रवीण इलाहाबाद में रहता है और ये लोग शायद उससे मिलने गए होंगे। साहब ये बलराम का लड़का चेतन और राजेंद्र की लड़की अर्चना क्या वाकई में कुछ नहीं जानते हैं या फिर टॉप लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं? सर मैं पहले दिन से कहती आई ये घरेलू मामला ही है। घरेलू मामला है तो फिर हमारे पास शिकायत दर्ज क्यों करवाई? किसे गुमराह करने के लिए? प्रवीण मेरे लेने के देने पड़ रहे हैं। पुलिस रोहतक से पंचकुला पहुंची और उन्हें भिवानी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। भूषण शांति रखो, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। अब हमारे पास सब कुछ लिखित में है, हमारी तरफ से हम सब सेफ हैं। मुझे पूरा भरोसा है बलराम अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैं तो कहती हूँ रात गई बात गई, भूल जाओ सब कुछ। हम भूषण शर्मा तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये आदमी हमारी एकमात्र लीड था जिसके जरिए हम जान पाते कि नीलम रिश्ती कहाँ थी और वो जहां भी थी वहां क्यों थी। भिवानी का रहने वाला है। हम उन सभी लोगों से संपर्क कर रहे थे जो हमें भूषण शर्मा तक पहुंचा पाते। हमने भिवानी में भी अपनी एक टीम बनाई, भूषण शर्मा की डिटेल्स निकलवाई। नीलम रिश्ती के ठिकाने का एक कनेक्शन हमें आगरा से भी मिला पर यह कनेक्शन क्या था ये केस क्लोज होने तक हमें कभी पता नहीं चल पाया। पर इस जुर्म की जड़ हमारे शेरगंज में ही थी, हमारी नाक के नीचे। और नीलम बिश्ती फिलहाल कहां थी वो भी किसी को पता था पर वो हमें नहीं बताया जाने वाला था। रश्मि चेतन राधेपुर जाने अभी कभी
क्यों? वहां क्या हो रहा है? रास्ते में सब बताता हूँ, चलो अभी। पापा पापा अब तो बताओ हुआ क्या है और हम जा कहाँ रहे? अभी के लिए बात कम से कम हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। पहले बताएं कि बात क्या है। नीलम लौट आई है। दीदी इतना कल रात लौटे हैं, पानी पीकर सो गई, अब जाके कुछ खाइए। उसे कुछ दिन यही रखो राजेंद्र, उसे ठीक होने में समय लगेगा। बाबा मौसा जी, नीलम दीदी पूरी तरह से बदल गई है, कुछ बोल भी नहीं रही है और इतनी कमजोर क्यों हो गई है दीदी? हमें भी उसने कुछ नहीं बताया। दीदी थी कहाँ पे? पूरे 11 महीने बाद लौटी है, कैसे बाबा? खुद बोलेगी, अभी उसे आराम करने देते हैं, काफी सहा है उसने। क्या सहा है? क्या बाबा? हाँ देखिए, आप दोनों पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो हम अभी क्या पुलिस को फोन करते हैं। अरे हमें कुछ नहीं मालूम बेटा, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ उसके साथ, बस हम उसे वापस ले आए। देखो चेतन, मामला और मत उलझाओ, तुम्हारी बहन तकलीफ में है, पता नहीं कितने महीनों से तकलीफ में रही होगी। हम मजबूर थे इसलिए पुलिस को नहीं बता सके। और हम अम्मा, अरे हमसे छुपाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी बाबा? अरे अभी बोलो बाबा। बेटा वो लोग बहुत खतरनाक लगते हैं, पता नहीं नीलम उनके चंगुल में फंस कैसे गए। 23 मार्च को फोन आया था मेरे पास उनका। नीलम तुमसे मिलना चाहती है। कौन बोल रहे हैं आप? तुम्हें इलाहाबाद आना होगा तुरंत। वो क्या रहा है बलराम, क्यों जाना है इलाहाबाद? बस तुम चलो मेरे साथ, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे बाबा ने नीलम का नाम लिया इसलिए मैं इलाहाबाद जाने को राजी हो गया। लेकिन है कौन ये लोग? हमें नहीं मालूम, बस बोले इलाहाबाद बस अड्डे पे मिलना। पता नहीं उस आदमी ने हमें कैसे पहचान लिया, उसे हमारे नाम मालूम थे, वो हमें साथ ले गया। बलराम बिस्ती, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मेरी बेटी कहाँ है? जिंदा देखना चाहते हो तो आवाज नीचे। हम लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी, हम लोग तो गरीब लोग हैं। नीलम को देखना है या नहीं? हाँ देखना है। तो कंप्लेन वापस लेनी होगी। समझो वापस ले ली। मुकर गए तो? अगर हमारी लड़की मिल जाए तो हम क्यों मुकरेंगे जी? कुछ शर्तें हैं हमारी। कैसी शर्तें? हमारी गलती क्या है? हम मेरी लड़की की गलती क्या है? फिर शुरू हो गया रोना दोनों। नहीं नहीं आप अपनी शर्त बताइए। उन लोगों ने स्टाम्प पेपर तैयार कर रखा था चेतन, और मेरी फोटो भी चिपकाई हुई थी। ये क्या है? ये दस्तावेज है कि तुमने अपनी मर्जी अपनी खुशी से नीलम की शादी कराई। क्या? और पुलिस में झूठी कंप्लेन लिखवाई कि वो गुमशुदा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करते हो, अंगूठा नहीं लगाते हो, तो नीलम को जिंदा नहीं देख पाओगे। मार डालेंगे तुम्हारी बेटी को। सोचने का वक्त तो मांगना भी मत, अभी ये ऑफर दे रहा हूं, कबूल कर लो वरना कहानी खत्म।
ये लो, अब मेरी बेटी मुझे दे दो। लड़की 2 अप्रैल को मिलेगी, जब हम सब संतुष्ट हो जाएंगे कि तुमने कंप्लेंट वापस ले ली। अब जुबान देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, बेटी लौटा दो। बोला ना 2 अप्रैल को। चलो अब निकलो अपने घरों को। मुंह खोला तो हम नीलम को खोल देंगे। और एक और बात, नीलम के मिलने के बाद भी अगर पुलिस के पास जाने का सोचा भी ना, तो ये दस्तावेज हम कोर्ट में पेश कर देंगे और तुम्हारी ऐसी बैंड बजेगी ना कि 7 जन्मों तक याद रखो। पुलिस को गुमराह करना एक संगीन जुर्म है। हम पुलिस के पास कभी नहीं जाएंगे, बस बेटी हमारी सही सलामत लौटाए। अब उसकी सलामती तुम्हारे हाथों में है बलराम बिश्ती। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए। कल रात हम गया स्टेशन गए थे, वहाँ उनमें से एक आदमी नीलम को छोड़ने आया, हम नीलम को लेकर घर आ गए। बस इसी कारण से हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया और तुम लोग को भी। लेकिन बाबा हमें पता लगाना होगा कि दीदी के साथ क्या हुआ है, और उन लोगों के पास आपकी फोटो कहाँ से आई? हमें नहीं पता रहे। तो उस रात वाकई में आपको दीदी का फोन आया था? हाँ बेटा। अरे कुछ तो बोलो, कौन इतनी रात गए? बाबा, बाबा। नीलम, नीलम, नीलम बेटा कहाँ है तू? बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नीलम मेरी बच्ची, ये तो बता तू है कहाँ? बाबा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ये सब राकेश भैया ने किया है। बाबा मुझे बचा। बस अब तेरी बहन ही बता सकती है 11 महीने कहाँ थी, क्या हुआ क्या नहीं। देखो बेटा वो गहरे सदमे में है, एक बार ठीक हो जाए जरूर बताएगी हम सबको। नहीं बाबा, हमें अभी के अभी पुलिस के पास चलना चाहिए। मौसा जी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। तुम मूर्खों वाली बात मत करो चेतन, सजा तुम्हारे बाबा को भी होगी, अंगूठा लगाया कोर्ट के कागज पर। देखो बेटा, पुलिस अगर उन्हें पकड़ भी लेना तो मरेंगे हम। ठंडे दिमाग से काम लो चेतन, तुम्हारी बहन लौट आई है पूरे 11 महीने बाद। हम तो मान ही बैठे थे कि दोबारा कभी चेहरे ही नहीं देख पाएंगे। देखो बेटा, बस उसकी देखभाल करनी है, ठीक करना है उसे। मुझे घर जाना है, मुझे घर भेज दो पापा अम्मा के पास। चुप कर, हाथ तो चलाती नहीं है। मेरी अम्मा की कोई मदद नहीं करती है तू घर के काम में, और ऊपर से भाग जाने की धमकी देती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाना, घर जाना है? नहीं 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 नहीं। ये ले, ली, ली। दोपहर में खाना बनाते वक्त और कपड़े धोते वक्त तो बहुत आवाजें करती है। करती है नहीं? सॉरी। आगे से चुपचाप काम करना, आवाज नहीं आनी चाहिए। अंदाजे पड़ोसी सवाल नहीं करें, समझी? समझी ना, अच्छी तरीके से समझी। से पूरा बिश्ती परिवार राधेपुर में डेरा डाले हुए हैं। तेरा कोई आदमी राजेंद्र के घर पे नजर तो रखे हुए है ना? हाँ साहब,
लेकिन कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन तीनों के तीनों, बलराम, चेतन और नीलम की माँ, सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। साहब मुझे तो लगता है ये नीलम वही उस घर में है। आप धावा बोली डालो। राजेंद्र जी, बलराम जी हैं घर पर? वो तो काम पर गए हैं। विस्ती परिवार यहाँ क्यों रुका हुआ? जी बात क्या है? नीलम के बारे में नहीं पूछेंगे आप? आप लोग चाहते क्या है? क्यों चेतन, तुम सब लोगों ने शेरगंज क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही सर, वो कुछ दिन के लिए आए हम यहाँ पर। सच बोलो। क्योंकि 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 नीलम दीदी वापस लौट आई है सर। और ये हमें इन्फॉर्म ना करने की कोई खास वजह? नीलम दीदी की हालत कुछ खास नहीं है सर। कुछ हमें बता नहीं रही है कि क्या हुआ, कहाँ पर थी, और हमने भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला उन पर। हमें नीलम से मिलना है अभी। हमारी बच्ची वापस आ गई है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। कृपया करके आप लोग जाइए। कंप्लेन खारिज करने के लिए ये तो लिखना पड़ेगा ना कि 11 महीने नीलम कहाँ थी। नीलम, क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कहीं भेजा था? 11 महीने कहाँ थी तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा थोड़े डरे हुए थे इसलिए बाबा ने कुछ बताया नहीं, और अभी भी डरे हुए। क्या बोल रहा है आपका बेटा? चेतन, तुम आप कुछ नहीं बोलोगे? साहब, हमें भी अब कुछ नहीं बोलना। देखिए, आप डरिए मत, हम आपकी मदद के लिए हैं। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। सर हम बताते। चेतन, सर उन्होंने बाबा से स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवाया और बाबा को ये बोलकर डरा दिया है कि अगर कुछ भी होगा आगे जाके तो उसके लिए बाबा फंसेंगे और वो लोग नहीं, मेरी बहन। इसके साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है सर, कुछ बोल भी नहीं पा रही है वो। बाबा और मौसा जी जाकर दीदी को इलाहाबाद से छुड़ा लाए थे इस शर्त पर कि वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेंगे। नीलम, देखो बेटा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं और ना ही आपके बाबा को डरने की जरूरत है, पर बेटा बताना जरूरी है कि हुआ क्या था। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, कृपया करके आप लोग। राम जी, आप हम पर थोड़ी कृपा कीजिए और थोड़ा थोड़ा भरोसा कीजिए। क्या हुआ था, कौन लोग थे? चलो राकेश, नाटक खत्म तेरा। अब कौन सा नया झूठा इल्जाम लगाने आए सर? बच्चे को रिश्तेदार के पास छोड़िए और तुम इसके साथ जाओ, फिर इसको भी खसीटते हुए लाना। अरे हुआ क्या है सर, बताइए तो सही, हुआ क्या है सर? अरे सर, कैसे मेरे पति पे हाथ उठा रहा सर? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया, अभी तो तुम्हारे पति का ऐसा हश्र करेंगे कि तुम पहचान नहीं पाओगी। मेरे गुस्से का फायदा उठाया राकेश ने। कहाँ लेकर गया तुम्हें राकेश? पता नहीं चला, पहले उसकी गाड़ी में, फिर बस में। अरे नीलम, यहाँ क्या कर रही हो? बैग बैग लेकर के कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ? मैंने राकेश को सब कुछ बताया। मैं भैया बुलाती थी उसे, भरोसा था उसके ऊपर। मैं अपना सारा गुस्सा उगल गई। चेतन के साथ हुए झगड़े से मेरा माथा फिर गया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बिल्कुल सही किया तुमने नीलम, बिगड़ गया है चेतन। अम्मा कहती है भुला दे, माफ कर दे, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे कल को किसी क्रिमिनल गैंग में भर्ती हो सकता है वो। वही तो राकेश भैया, लेकिन अम्मा पापा है कि समझने को तैयार ही नहीं है कि ये कितना सीरियस मैटर है। अरे वो सीरियस नहीं होंगे जब तक तुम सीरियस नहीं होगी नीलम। मतलब भैया? मतलब तुम गुस्से में घर से निकली हो ना,
पकड़े रहो गुस्से को, एक दिन घर ही मत जाओ, तुरंत फोन ऑफ कर दो, सिम भी निकाल दो इसका। अरे करो करो, सोचो मत, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे, और मौसी के घर भी मत जाना। तो फिर तुम मेरे साथ चलो। अरे जरा तिल मिलाने दो इनको, सबक सीखेगा चेतन। एक तो घर में कभी चोरी नहीं करेगा, और बहन पे हाथ उठाने जैसी जलील हरकत तो करेगा ही नहीं। और तुम्हारे माँ बाप भी समझेंगे कि ये कोई अहमी बात नहीं है। अरे सब समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप घर वापस चली गई तो सब समझेंगे तुम नौटंकी कर रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फंसाया जा रहा है। कभी सोचा ही नहीं था कि राकेश भैया भेड़िया निकलेगा। मैं राकेश भैया के साथ चली गई। मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे इधर 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 आ। नीलम, ये हमारा दोस्त है प्रवीण। आज रात हम यही रुकेंगे, कल सुबह होते निकल जाएंगे। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। राकेश भैया, मुझे लगता है कि मुझे अम्मा पापा को फोन कर देना चाहिए। वो परेशान हो रहे होंगे कि मैं मौसी के घर भी नहीं पहुंची। अरे यही तो हमारा प्लान था ना नीलम, तुमने अगर फोन कर दिया तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। चेतन हंस देगा तुम पे और फिर से हाथ उठाएगा। आज इस बार 200 की जगह 2000 चुराएगा, समझ गए? ठीक, आज रात यही काट लीजिए, कल सुबह चाय नाश्ता करके लौट जाइएगा। हाँ कल सुबह लौट जाएंगे। चलो चलो दरवाजा खोलो, आ जाओ जो आओ आओ। राकेश भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है। हम कुछ ज्यादा ही दूर आ गए ना, वैसे कौन सी जगह है ये? बनारस है। तुम ठीक कह रही हो, थोड़ा दूर तो आ गए हैं, लेकिन अब इतनी रात में बस वस तो मिलेगा नहीं। तो काम करते हैं, कल सवेरे होते ही लौट जाते। कल सुबह होते ही मैं चेतन को फोन करूंगी। हाँ। समझाऊंगी उसे कि उसे सुधरना होगा, बदलना होगा उसे। भैया चेतन दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। हाँ हाँ, अब ये सब जो कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए तो कर रहे हैं, और क्या। मुझे भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगा ही नहीं कि पानी में कुछ मिलाया गया था। पीते ही मुझे नींद सी आने लगी, चक्कर से आने लगी। भैया मेरा सर घूम रहा है। अरे वो तुम बहुत थक गई हो ना, इसलिए तुम्हारा सर घूम रहा है। सो जाओ, ठीक हो जाएगा। वो मेरे पास लेट गया। मैं आधी बेहोशी में भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कमजोरी सी थी, सब धुंधला सा था। और फिर अचानक से ये क्या किया तूने राकेश? दोस्ती में मैंने तेरी मदद की, साले तूने तो कहा था ये तेरी बहन जैसी है। मैंने कितनी बार मना किया, तब बोला भी नहीं नहीं, लेकिन मेरी सुनी तक नहीं। छी राकेश, घिन आ रही है मुझे तुझसे। नीलम अभी के भी अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नीलम मेरी बात सुन। भैया इसको बोल दो मेरे पास ना आए, मुझसे दूर रहो। इतनी शॉक में थी सर, इतनी टूटी हुई थी कि मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई बाबा या चेतन को फोन करने की। कैसे बताती उन्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं फोन करना चाहती तो भी नहीं कर पाती सर। मुझे अचानक से भनक लगी कि राकेश ने मेरा फोन रख लिया था। ये प्रवीण, ये तुम्हें इलाहाबाद ले गया। मुझे मालूम नहीं था सर वो मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। प्रवीण भैया पर भरोसा किया था, लेकिन वो भी राकेश जैसा निकला। दोनों की मिलीभगत थी सर। प्रवीण ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब उठी तो मैं प्रवीण के घर पर थी।
मैं कहाँ हूँ? इलाहाबाद। प्रवीण भैया, मुझे घर जाना है। तेरा अपना नया घर होगा नीलम, तेरी शादी होने वाली है। शादी नहीं, मुझे शेरगंज जाना है, अम्मा पापा के पास, अपने भाई के पास। भूल जाओ उन्हें, तेरी शादी तय हो गई है। नहीं मुझे, चू तक की तो चीर के रख दूंगी तुझे नीलम। दवा खिला दो साली को, दिमाग ठिकाने पर रहेगा। नहीं मुझे घर जाना। अरे बैठ यहाँ पे। अनंत का केस जी, शादी करनी है। किसको? हम सबको। लेकिन हनीमून पे आप सब लोग साथ में चलेंगे। कौन हो तुम लोग? हम लोग बैंड बाजा पार्टी। वैसे आपकी पार्टनर अमिका पटेल कहाँ है? रिसेप्शन में तो उनको भी आना पड़ेगा ना। पुलिस? पर तुम्हारे लिए यमराज। देखिए सर, अगर नीलम के बाप ने फिर से कोई शिकायत की है तो सबूत है हमारे पास। हाँ सर, और जो कुछ भी हुआ नीलम की मर्जी से हुआ। ये देखिए सर, जिस दिन पखाने में पानी बंद हो जाए ना, इस कागज का इस्तेमाल कर लेना, समझा? तुम सब लोग थाने चलोगे, सबके दस्तखत लिए जाएंगे और अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे। अगर निशान देने की हालत में रहे तो। इस घिनौनी साजिश, इस संगीन जुर्म के हर किरदार को हमने धर लिया। प्रवीण त्रिपाठी, उसकी पत्नी नीता त्रिपाठी, पार्टनर सुधांशु सिंह और एजेंट अंबिका पटेल। पर इस साजिश का सरदार, मास्टरमाइंड था राकेश झा, जो नीलम और उसके परिवार से अच्छी तरह परिचित था। उसने नीलम के गुस्से का फायदा उठाया और उसे अगवा कर लिया। वाराणसी की रहने वाली अंबिका पटेल ट्रैफिकर थी, जिसका राकेश झा के साथ अफेयर था, और उसके जरिए राकेश प्रवीण, नीता और सुधांशु से कॉन्टैक्ट बना पाया था। इंस्पेक्टर साहब, हमने बड़े कायदे से लड़की को सही सलामत तो उसके घर तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, हम तो लड़की वाले हैं, हम भी कायदे से खूब खातिरदारी करके आपको अदालत पहुंचा देंगे। एक काम करते हैं सर, कम से कम 2 हफ्ते इनकी अरेस्टिंग दिखाते नहीं है, इनकी जम के खिलाई पिलाई करते हैं। नीलम ने भी तो पूरे 11 महीने इन लोगों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। बनता तो है सर। एक मिनट, जो कुछ भी हम सच सच बता देंगे, और लड़की का ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है सर। राकेश ने अंबिका के जरिए नीलम को प्रवीण, नीता और सुधांशु को बेचा था। आगरा से हमने मयंक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, वो नीलम का पहला खरीदार था। 3 लाख में उसने नीलम को बतौर दुल्हन खरीदा। सुन प्रवीण, नहीं जम रही है यार, कल मैं लड़की को तेरे पास वापस लेके आ रहा हूँ। क्या हुआ मयंक, कुछ कर दिया क्या नीलम ने? घर का एक काम नहीं करती है, मेरी अम्मा उसे नहीं संभाल पा रही है। साली को प्यार से समझाया, बेल्ट से समझाया, सुनती नहीं है कमीनी। देख, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बला, तू मेरे पैसे रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ कल। वाह, अच्छा मजाक कर रहा है, 4 महीने जम के इस्तेमाल किया तूने उसे। अरे कौन सा पूरे 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ यार, कम से कम 50% तो वापस दे दे। सब सब नाक में दम कर दिया था उसने सब, तो हमें उसे वापस लेना ही पड़ा। मैं इनको पूरे 3 लाख लौटाने पड़े। फिर किसे भेजा नीलम को? इस भूषण शर्मा को? भूषण के साथ सिर्फ 2.5 लाख की डील की। बेचा 2.5 लाख में, बेचा, समझा? बेचा बोलना है तो बेचा बोल दीजिए साहब, लेकिन अचानक से उसने कांड कर डाला साहब। नीलम ने अपने बाप को फोन कर दिया। कह रही मेरे फोन से अपने बाप को फोन कर दिया। क्या? मैंने बोला था तुझे दवाई टाइम टू टाइम दे, थप्पड़ टाइम टू टाइम लगा, और फोन दूर रख उससे हर टाइम। अरे यार सब कुछ वैसे हो रहा है, बस कल रात मैं अपना फोन लॉक करना भूल गया। सुन भाई, इसे वापस ले जा, मुझे इस मुसीबत में नहीं फंसना है। इंसान है, कोई चीज नहीं है कि दुकान पे जाके वापस लौटा दूं इसे। देख प्रवीण, मैं ये घर और ये नौकरी सब कुछ बदल रहा हूँ, नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर तू इसे वापस नहीं लेगा ना, तो मैं कहीं भी जाकर छोड़ दूंगा। अरे मत, तू एक काम कर, तू मेरे पास ले आ, मेरे पास ले। फिर से ये तो लेने के देने पड़ गए। बस अब इस बार इसको रीसेल में नहीं डालते प्रवीण। तो फिर क्या करना है? सुधांशु सही कह रहा है प्रवीण, उसको रीसेल में मत डाल, वापस कर देते हैं उसे। क्यों, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई क्या? अरे उसने फोन करके अपने बाप को मेरा नाम दे दिया है। भाई यार अब क्या करें? अब क्या, शामत की तैयारी करूं? 2 दिन से पुलिस वालों ने जो क्लास लगाई है मेरी,
जैसे तैसे निकला हूँ लॉकअप से। और तू अब बता रहा है मुझे? अभी अभी घर पहुंचा हूँ थाने से। सुन, हमसे मर्डर वर्डर नहीं होगा, तू देख ले तुझे जो करना है। अरे अभी तो पुलिस को घुमाने की मैंने पूरी कोशिश की है, बोला है कि लड़की का बाप ही है इन सबके पीछे। एक काम करते हैं, लड़की को वापस कर देते हैं। और उसने मुंह खोल दिया तो? उसके बाप ने मुंह खोल दिया तो? अरे कोई मुंह नहीं खोलेगा, न लड़की न लड़की का बाप। एक आइडिया है। स्टैंप पेपर का आइडिया? हाँ साहब। ओ राकेश, नहीं, नीलम के बाप का फोटो भेजा हमारे पास। और बलराम बिश्ती को तू फोन करता था दूसरे नंबर से? हाँ साहब, फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल किया था। ये भूषण शर्मा का है इस वक्त? वो फरीदाबाद में साहब। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे सर? सर सर मेरा गुनाह क्या है सर? सर मैंने बाकायदा शादी किया उससे सर। दो दिन बाद हमने भूषण शर्मा को गिरफ्तार किया और इस केस का आखिरी गुनहगार हमारी हिरासत में आ गया। साहब आप एक बार स्टैंप पेपर पढ़ तो लो, ऊपर से हमने लड़की को वापस भी कर दिया है। साहब मैं पटना में जॉब करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर अब क्यों आया है? लक्ष्मण केवट का फोन आया था, जिसने कॉलेज में मेरी जगह ले ली है। बोला कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे थे, पर अब नहीं। तू जा सकता है। ए सुन, इधर। ये तो लड़कियों को अब भी घूरता है या कुछ सीख गया है? अब मैं गलत इरादे से कभी किसी लड़की को नहीं देखता। ये आंखों की कमजोरी कह लीजिए या दिमाग की कमजोरी, पर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नीलम मैडम को गलत नजर से नहीं देखा। बेकार में नौकरी गई, बदनामी हुई वो अलग से। आगे से ध्यान रखना, अभी जा। राकेश झा की इस हरकत से बिश्ती परिवार को बुरी तरह झटका लगा। राकेश पर उन सबका पूरा भरोसा था। नीलम का परिवार पूरी तरह उसके साथ है और उसे हर किस्म का सहारा दे रहा है ताकि वो इस हादसे को भुलाकर फिर से सामान्य जिंदगी बसर कर सके। नीलम ने फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, इस दृढ़ इरादे से कि वह पीछे मुड़कर नहीं सिर्फ आगे देखे। नीलम की मेडिकल रिपोर्ट ने इस बात का पुष्टिकरण किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, पर बेहोशी की दवाइयां पिलाने का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि जब तक नीलम का मेडिकल करवाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके ब्लड स्ट्रीम में उन दवाइयों के अंश नहीं मिले। सारे आरोपियों में केवल नीता त्रिपाठी की जमानत हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने बलराम के दस्तखत वाले स्टैंप पेपर्स भी बरामद कर लिए, जो एकमात्र कानूनी दस्तावेज था जो ये सिद्ध कर रहा था कि नीलम बिश्ती की भूषण शर्मा के साथ शादी हुई थी। अब यह दस्तावेज नीलम के साथ हुए अत्याचारों का सबूत साबित होगा और उसे न्याय दिलाने में मदद करेगा। किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, फिर चाहे वो व्यक्ति कितनी भी अच्छी तरह परिचित क्यों ना हो। परिवार के किसी सदस्य पर भले जितना गुस्सा हो, पर इस भ्रम में कभी ना रहें कि कोई बाहर वाला आपके गुस्से को बेहतर समझेगा या आपके हालात सुधार पाएगा। नहीं, फैमिली फैमिली होती है। टीनेजर्स, युवाओं, आपकी उम्र ऐसी है जब गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उमड़ता है और घर से भाग जाने का ख्याल आए दिन आता है, पर उस ख्याल को ख्याल तक ही सीमित रखें, उसे अमल में लाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ कोई मतभेद हो तब भी किसी बाहर वाले व्यक्ति पर परिवार से ज़्यादा भरोसा कभी ना करें। कल रविवार यानी 27 मई को क्राइम पेट्रोल सतर्क का टेलीकास्ट नहीं होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।